इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। मेहमानों का स्वागत करेंगे। संजू वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। संजू जी स्वागत है। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अभय जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं मशहूर कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ साहब। सेठ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे सामने अब सारी कहानी साफ है। और अच्छी बात यह कि इस प्रोग्राम से पहले तक जो आरोप लगाए जाने थे वो भी लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है पूर्व आईटी टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से। तो चूंकि उनका पलटवार अभी सबसे ताजा है तो मैं सवाल अभय दुबे साहब आपके पास लेकर के जा रहा हूं। सारे आरोपों पर बीजेपी ने यह पूछा है, पहले तो टाइमिंग कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले यह कहानी क्यों निकाली गई, छापी गई ताकि मॉनसून सत्र में हंगामा किया जा सके, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है, सबूत कहां है? आरोप तो है, एविडेंस कहां है? सौरभ शर्मा जी, मैं अभी हटाए गए मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं। 28 नवंबर 2019 जब आपसे पूछा गया कि इस जो इजरायली स्पाइवेयर कंपनी पेगासस के जासूसी के बारे में, तो आपने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि हां 121 इंफेक्शन के ट्रेसेस मिले हैं और हम जांच करा रहे हैं। अपना पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब भूल गए? और यह सिर्फ कांग्रेस ने सवाल नहीं खड़े किए, अभी मेनका गांधी जी ने भी लोकसभा में यह प्रश्न पूछा कि यह जानकारियां मिल रही है कि बड़ी मात्रा में लोगों के खिलाफ जासूसी की जा रही है। यह रविशंकर प्रसाद जी को नहीं पता, तब तो वो भी मंत्री थे। विनम्रता से पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि इतना घिनौना षड्यंत्र हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था के साथ, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख के साथ, प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ, प्रतिपक्ष के नेता तो दूर, आपके मंत्रियों के साथ, मंत्रियों के खानसामे के साथ, मंत्रियों के मालियों के साथ कितना घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। और वो पत्रकार, जो मूर्धन्य पत्रकार, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को देखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के विषयों को देखते हैं, मैं कुछ आपसे नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जी। उसमें जो प्रमुखता से एक झारखंड का पत्रकार है रुपेश कुमार, उसके साथ तो इतना घिनौना षड्यंत्र किया, उसका भी नाम लिस्ट में है। उससे जब यह पूछा गया कि आपका फोन इन्फेक्टेड है, हमको जांच के लिए देंगे, तो उसने कहा मुझे पहले से पता है क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय झारखंड में एक स्टोरी की थी कि आदिवासियों की नृशंस हत्या, संस्थागत रूप से मासूम आदिवासियों को की हत्या की जा रही है। उस स्टोरी के बाद बिहार में मुझे जी पकड़ाया जाता है जी। और प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट आतंकवादियों के कानून में पकड़ाते हैं और ये बिहार की सरकार चार्जशीट भी पेश नहीं कर पाती, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाता है। अभय जी मैं अपना सवाल फिर दोहरा रहा हूं। देखिए ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो कल से लग रहे हैं और आपने तो एक नाम लिया, यहां तो 300 नामों का जिक्र हुआ है। उनका सवाल बड़ा सीधा सा था। मैं आ रहा हूं संजू जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा, ये आरोप लगा रहे हैं कि फोन में एक सॉफ्टवेयर डालकर उसको इन्फेक्ट किया गया और फोन की सारी जानकारियां ले ली गई। इसका एक प्रमाण तो बताए कोई कि हाँ ऐसा हुआ, इसकी जांच कहां हुई है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए इसकी पहली बार शिकायत अधिकृत रूप से भारत की सरकार को अप्रैल मई 2019 में व्हाट्सएप और फेसबुक ने की थी। ठीक बात। जिस पर सरकार ने अपनी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टीन से जांच कराई। यह सर्टीन की जांच रिपोर्ट, ठीक, सर्टीन ने मई 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने पाया वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड। उसने पाया कि हां इंफेक्शन है। सरकार ने जानकारी देश से छुपाई क्योंकि अवैधानिक तरीके से सरकार ही संस्थागत रूप से इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी और सत्ता की भूख एकमात्र कारण था। ठीक है, अब आपके आरोप पर मैं जरा, ठीक है, ये आरोप क्योंकि बहुत बड़ा है और जवाब देना है सरकार को। संजू वर्मा हमारे साथ हैं। संजू जी आरोप बड़ा सनसनीखेज है, अपने ही नागरिकों की जासूसी और अपने ही सामान्य नागरिक नहीं, अपनी सरकार के मंत्री, बड़े बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स, उद्योगपति और पत्रकार, इनकी जासूसी कराई और खास तौर पर ऐसे लोगों की जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं या राय रखते हैं। सौरभ जी पहली बात तो ये, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनकर मुझे एक मुहावरा याद आता है,
हाथी के दांत खाने के और खाने के और। खैर अभी मुद्दे पर आती हूं। पहली बात तो ये कि कुछ ही समय पहले रविशंकर प्रसाद ने बड़ी स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि जो विपक्ष आज राजनीति कर रहा है ये सुपारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि लोकतंत्र में, गणतंत्र में आपकी पॉपुलैरिटी, इसका सबसे बड़ा आंकलन होता है कि आप चुनाव में आपकी परफॉर्मेंस किस तरह होती है। और हम सबको मालूम है कि गए 7 सालों में एक के बाद एक कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो बिहार हो, असम हो, उसका इस आरोप से कोई लेना देना नहीं। संजू जी माफी के साथ आपको प्लीज मैं अभी इसका आज के मुद्दे पे बात करें। आपकी बात पर अभी सीधा आती हूँ। पहली बात तो ये, पेगासस सॉफ्टवेयर का स्वामित्व, ओनरशिप किसके पास है? इजरायली कंपनी एनएसओ के पास। एनएसए ने इस बात को पूरी तरह से, इस बात का खंडन किया है कि उनकी तरफ से कोई भी गैर संविधानिक या गैर कानूनी डेटा स्टोरेज या डेटा भंडारण हुआ है। उन्होंने डेटा लीकेज से भी साफ साफ मनाही की है। दूसरी और अहम बात जो आपने भी कहा अपनी इंट्रोडक्शन में कि 50,000 नाम सामने आए हैं, पर एक डेटाबेस में नाम सामने आने का संकेत या मतलब यह कदापि नहीं कि आपका फोन हैक हुआ है या आपका फोन संक्रमित है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आप बिल्कुल एक पॉइंटेड सवाल पूछता हूं मैं आपसे, फिर मैं एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछता हूं आपसे। आपने कहा एनओसी ने कहा कि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक कह रही हैं आप, एनओसी ने यही कहा है, लेकिन एनओसी ने यह तो नहीं कहा कि हमने भारत को पेगासस सॉफ्टवेयर बेचा नहीं। एनओसी ने यह तो नहीं कहा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत के पास, भारत सरकार ने क्या कभी एनएसओ से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, हाँ या ना? नहीं। पहली बात तो ये, आप मुझे अभी दूसरी बार टोक चुके हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार नहीं टोका और पूरे 6 मिनट में लगातार बोलते गए। वो मैं चाहे उनको 10 मिनट बोलने दूं और आपको 10 बार टोकूं, वो मेरा प्रेरोगेटिव है, प्लीज। नहीं नहीं, आरोप आपकी सरकार पर है, आरोप आपकी सरकार पर है, आरोप आप पर है, जवाब आपको देने हैं। सौरभ जी, मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, आप इतना बौखलाइए मत। और आप अपने मैडम प्लीज, जवाब देने का हक मेरा बनता है। जरा शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। कोई नहीं बौखला रहा है यहाँ पर, कोई बौखला नहीं रहा है, अपने वर्ड्स वापस लीजिए। ये क्या तरीका है बात करने का? बौखला रहे। आप सवाल का जवाब दीजिए, आपकी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, बताइए। सरकार ने जो कहना था रविशंकर प्रसाद के माध्यम से और अश्विनी वैष्णव जो नए आईटी मंत्री हैं, आपने क्या उनकी बातें बड़े गौर से नहीं सुनी? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेगासस स्पाइवेयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, सिर्फ मानसून सत्र के एक दिन पहले यह खुलासा करना, ये एक सोची समझी चाल है, ये शेयर कोइंसिडेंस या संयोग नहीं है। ये बात साफ और स्पष्ट शब्दों में अश्विनी वैष्णव ने कही है, तो उस पर मेरा कुछ और टिप्पणी करना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। पर सौरभ जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज कौन हम पर इल्जाम लगा रहा है? एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक है वायर, और इन दोनों की क्रेडिबिलिटी या प्रतिष्ठा क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर सितंबर 2020 को कई जगहों पर रेड हुई थी। वायर के अगेंस्ट बाराबंकी में FIR है जी, वायर के अगेंस्ट कश्मीर में फेक न्यूज के लिए FIR है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग आज मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो लोग आज मोदी सरकार पर लांछन लगा रहे हैं, पहले ये बताइए कि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? मैडम देखिए, सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, सवाल तो चोर भी जज से पूछ सकता है, उसको आजादी है, तो ये कोई भैया कोई दलील नहीं हुई। बहरहाल ठीक है, चलिए ठीक। ओके संजू वर्मा जी, एक मिनट मुझे सुहेल सेठ साहब के पास जाने दीजिए। सेठ साहब, मनमोहन सिंह की सरकार ने जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री, मैं पूछता हूँ अभी इनसे, अभी जवाब देंगे उसका। एक मिनट, अभी जरा सुहेल साहब को चर्चा में ले आऊं। सुहेल साहब, आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली हैं। सवाल यह है कि ये आरोप संजू जी एक मिनट सुन ली मैंने आपकी बात। सुहेल साहब, ये आरोप कि सरकार अपने ही लोगों की और वो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों की जासूसी कराए, ये आरोप पहली नजर में आपके गले उतरता है या नहीं?
देखिए आरोप अपनी जगह पे सही है क्योंकि दो चीजें हुई हैं और मैं तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अभी जी ने दो प्रश्न ठीक उठाए। नंबर वन, ये कांड हुआ कि नहीं हुआ? जो हमारे सामने एविडेंस है उससे ये लग रहा है कि हुआ, किसने किया किसने नहीं किया वो अलग बात है। दूसरी बात, जैसे आपने ठीक कहा कि आरोप सरकार पे लगे हैं, तो जवाब सरकार को देना है, जवाब आप और मैं तो देंगे नहीं। अगर सरकार ने ये किया है तो सरकार को ये बोलना कि आप प्रोड्यूस करो एविडेंस, ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर आपने भारत के सिटीजन्स के ऊपर ये पेगासस की स्पाईवेयर यूज की है या इस्तेमाल की है, तो उससे दो चीजें हैं, एक ग्रोस वायलेशन ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, नंबर दो आपने जैसे सौरभ जी आपने ठीक ही कहा कि यहां पे आपने सिर्फ पत्रकारों को नहीं टारगेट किया, लगता है कि जज भी टारगेट हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स भी टारगेट हैं, अब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और अभिषेक बैनर्जी के फोन्स भी टैप हुए थे। सरकार को संसद अगर चलानी है, और अरुण जेटली ने एक जमाने में कहा था कि संसद चलाने का दायित्व सरकार का है जी। यहां पे बहुत सीरियस मुद्दे हैं, हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, इकोनॉमी का हाल इतना अच्छा नहीं है, ये सब मुद्दे जो संसद में डिस्कस होने चाहिए, अब इन लोगों ने संसद ठप कर दिए, ऑपोजिशन है और वो करेंगे, उनको ब्लेम करने का भी कोई लाभ नहीं है। मेरे ख्याल में अगर किसी को प्रॉब्लम है, समझ लीजिए मैं पत्रकार हूं और मेरा फोन टैप हुआ है, हमारे देश में अभी भी एक जस्टिस सिस्टम है, एक न्याय की प्रतिक्रिया है, तो क्यों नहीं हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। सुनील साहब, मैं थोड़े से और फैक्ट्स देता हूं, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़े से एक फैक्ट्स देता हूं। जैसे अभी सवाल पूछा गया, बीजेपी ने पूछा, संजू जी ने पूछा, सबूत क्या है, सबूत क्या है? अब जिस संस्था ने ये सारा डेटा निकाला है, उनका ये कहना है कि 37 फोन्स की टेक्निकल फोरेंसिक जांच हुई है, उसमें से 10 भारत के लोगों के फोन नंबर थे, उनके फोन थे, और वो आपको अपना फिजिकल हैंडसेट जो है वो देना पड़ता है, और उसकी जांच होती है और पता चलता है कि इसके अंदर पेगासस से इन्फेक्ट उसको किया गया या नहीं। तो ये अभी फिलहाल, और मैं केवल उसी वेबसाइट में जो जानकारी आ रही है उसी को कोट कर रहा हूं, क्योंकि सारी जानकारी एक वेबसाइट पर है जिस पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, और जानकारियां कहीं से नहीं आ रही है, उसे एक वेबसाइट से आ रही है। उस वेबसाइट ने कहा कि भारत में 10 लोगों के फोन की फोरेंसिक जांच की गई है, और वो जांच हुई है एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्निकल लैब में, और वहां पर पाया गया कि उसके अंदर पेगासस था। अब अगर बीजेपी एमनेस्टी इंटरनेशनल को ही उसके ऊपर ही सवाल खड़े करे या उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करे, तो क्या यह मामला कमजोर होता है या एमनेस्टी पर सवाल खड़े करने का कोई फायदा नहीं? इसका भी जवाब सुहेल दे देंगे फिर अभय जी। नहीं, मैं समझता हूं, और संजू जी ने वहां ठीक कहा, अगर एमनेस्टी और बीजेपी की रिलेशनशिप अगर आप देखें तो बहुत ही बुरी रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का कहना ठीक है कि आप एमनेस्टी को छोड़ के किसी और लैब, और देखिए सौरभ जी, यहां दुनिया में बहुत सारी लैब्स हैं जो ये फोरेंसिक एनालिसिस कर सकती है, हमारे देश में भी हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एमनेस्टी ही सबसे ठीक लेबोरेटरी है या दे आर दी सोल आर्बिटर्स। नंबर दो, जैसे कि आपने कहा, अगर ये प्रोसेस स्थापित हुई है, अगर लोगों ने पेगासस को यूज किया है, तो सिर्फ सरकार यूज कर सकती है, कोई आम नागरिक तो यूज नहीं कर सकता। अगर सरकार ने किया है, या तो प्रधानमंत्री को मालूम होगा या उन्हें भी नहीं पता। अब जैसे कि दुबे जी ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में 2019 में, तो ये काफी चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। प्रॉब्लम ये है, मुझे पेगासस से कोई लेना देना नहीं है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं आम नागरिक हूं इस देश का, ठीक है? संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी इंस्टीट्यूशन है, अब इसको लेके अगर आप संसद को ठप कर देंगे, संसद का कार्यभार ठप कर देंगे, तो इससे जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं वो मुद्दे कभी डिस्कस नहीं होंगे।
और फिर ऑपोजिशन बोलती है कि भाई ये संसद में डिस्कस नहीं होता। संसद को ना, संसद के ना चलने के तो खैर बहुत सारी और वजह हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है। उसमें एक ये बड़ा विषय कल जुड़ गया, अभय दुबे जी के पास जाना चाहते हैं। अभय जी, मैं फिर वही घूम फिर के देखिए सवाल ये क्या आ रहा है, सरकार बार बार एक ही पूछेगी, एमनेस्टी ने जांच की, एमनेस्टी कौन है, जिसकी फंडिंग के बारे में पूछा तो भारत छोड़ करके चली गई, उसकी लैब में फोन जांच करवाने का क्या मतलब, वो तो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। सौरभ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार को उस पर भरोसा नहीं है। एक द वायर है मीडिया ग्रुप, उसने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई, कुछ पत्रकारों को जिनका नाम थे उनके फोन लिए और उन्होंने पाया कि इन्फेक्शन के ट्रेसेस उसमें हैं। चलिए आप वायर पर भी भरोसा नहीं करते तो सर्टिन जो भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री की संस्था है जिसने पहले भी जांच की, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के कहने पर जांच की और उन्होंने कहा कि हाँ वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड, तो आप उन्हीं से जांच, आप सवाल करने पर सवाल खड़ा करते हैं। अरे ये मेनका गांधी सवाल पूछ रहे, मेनका गांधी जी 24/3/2021 को सवाल पूछ रही, वेयर द गवर्नमेंट हैज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर सर्विलांस सॉफ्टवेयर सच एज पेगासस। राजनीति बंद करिए, अब मेनका गांधी पर भी सवाल खड़ा करेंगे। संजू जी, मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोल लीजिए मैम। देखिए गंभीर सवाल, मैम अपनी बारी में बोलिए, मैं आ रहा हूं इनके बाद आपके पास, संजू से बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। बेबुनियादी इल्जाम लगाना अब ये पहली बार नहीं था, मुझे ये बताइए संजू वर्मा जी, सुनिए ना आप जवाब दीजिएगा, आपको सिखाया गया है कि सब लोगों को इंटरप्ट करो ताकि सच सामने। संजू जी, संजू जी, संजू जी, संजू जी, संजू जी, प्रणब मुखर्जी ने कहा था पी चिदंबरम उस वक्त होम मिनिस्टर थे, वो बात अभी रविशंकर प्रसाद जी ने भी याद दिलाई, वो फैक्ट है, उससे 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 अगर आपकी सरकार के अंदर कोई गलत काम हुआ होगा तो वो धुल नहीं जाएगा, पुराने पुराने उदाहरणों से आज के गलत काम नहीं धुल जाते। दीजिए मैं कहा मना कर रहा हूँ, लेकिन उससे आज की परिस्थिति नहीं, आज की परिस्थिति का जवाब नहीं मिलता है उससे। कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ठीक है, हो गया। अच्छा अब जरा हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, संजू जी कुछ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, एक मिनट जरा अभय जी की आवाज है, अभय जी की आवाज है, बोलिए अभय जी। अब देखिए सौरभ जी, ये क्या पहली बार खुलासा हुआ? 2018 में सिटीजन लेबोरेटरी टोरंटो ने भी इस बात का खुलासा किया कि भारत में इस प्रकार का पेगासस के थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू ये जासूसी कराई जा रही है, सरकार ने उसका भी संज्ञान नहीं लिया। एक और बड़ा खुलासा करता हूं, ये बात बहुत प्रमुखता से, संजू जी आप बोल रही हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगा इनके बाद, प्लीज जरा सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप समय लेके बोलिएगा, आप समय लेके जवाब दे दीजिएगा, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। देखिए एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की का एक ग्रुप है, हाँ। वो इटली है, फ्रांस है, भारत में उसे इंडियन एक्सप्रेस है, उसने एक रिपोर्ट छापी, उसने ये कहा कि जैन हुआ डेटा, अरे साहब, अरे वायर के खिलाफ तो करनी है। संजू जी, संजू जी, संजू जी, संजू जी, चलिए खिलाफ कश्मीर में फेक न्यूज के लिए एफआईआर दर्ज की है और आप वायर को, वो कोई भी संस्था हो, अगर अगर आरोप लगाए जा रहे हैं आपको उस पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आरोप उसकी तरफ से लगाया जाएगा वो झूठा ही होगा। संजू जी ये कोई दलील नहीं हुई, फैक्ट पर बात करते हैं ना, फैक्ट पर बात करनी है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, सवाल आपको पूछना चाहिए था इनसे, मैं पूछता हूँ, सुनिए लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ इनसे। अबे दुबे, अबे दुबे, सौरभ जी, सौरभ जी, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा अदरवाइज। नहीं मैं आपसे सहमत हूँ संजू जी, संजू जी ये गलत बात है, आप बहुत इंटरप्ट कर रही है बीच में, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ तो अपनी बारी में बोलिएगा ना, आप कंप्लीट तो करने दीजिए इनको। देखिए गंभीर मसला, आप ही जवाब पे जवाब दीजिएगा, इनको आरोप पे आरोप लगाने दीजिए, आप जवाब पे जवाब दीजिएगा, आप पूरा समय लेके बोलिएगा, इनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद। एक गंभीर रिपोर्ट प्रकाशित की सितंबर 2020 में जी, उसने कहा कि जैन हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाइना हिंदुस्तान के 10,000 लोगों की जासूसी करा रही, किस किस की, उन्होंने कहा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, सोनिया गांधी की, न्यायाधीशों की। सरकार ने कहा कि हाँ हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं और उसकी जांच करेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार ने जांच रिपोर्ट आज तक उसकी जारी नहीं की। अभय जी अब मैं थोड़ा सा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप इतने जानकार आदमी, आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, मैं अगर इसी मौजूदा, मैं एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, देखिए लास्ट लास्ट हम
कोई विदेशी एजेंसी किसी दूसरे देश में जासूसी कराए, ये पहली बार नहीं होता होगा। और ये हमारे लिए भी मुझे लगता है कि हम भी, हमारा देश भी जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करता ही होगा। सवाल ये है, सौरभ जी, मैं कुछ कह देश की सरकार अपने 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 नागरिकों पर जासूसी करा। संजय जी बस एक मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। मेरा पॉइंटेड सवाल अभय जी से है, सरकार ने दो बातें कही है अपने बचाव में, अपने डिफेंस में, कहते हुए कि ये सारा आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने 2019 में अमेरिका के कोर्ट में कहा था कि ये इजरायली एक कंपनी है, वो लोगों के फोन हैक करती है। वो मामला जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें व्हाट्सएप के पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे थे, वहां व्हाट्सएप ने कहा कि नहीं, हमारा सिस्टम हैक नहीं हो सकता, व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता है, उसमें भी पेगासस का नाम लिया गया था। एक बात यह कही जा रही है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि 2019 में एक आरटीआई क्वेरी डाली गई थी, उस आरटीआई क्वेरी में बड़े साफ साफ पूछा गया था, जो मैंने अभी पूछा, कि क्या सरकार ने एनएसओ से पेगासस खरीदा है, क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल आया था, और क्या सरकार की ऐसी कोई मंशा है। जवाब था, उनकी तरफ से जवाब यह दिया गया था कि ऐसी कोई भी जानकारी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास नहीं है। तो सरकार ये कह रही है, हम तो आरटीआई में कह चुके भाई कि पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जवाब दीजिए, फिर संजू जी के पास जाऊं। देखिए, आप आरटीआई एक्ट को बेहतर तरीके से जानते हैं। सुरक्षा संदर्भित विषयों पर सरकार जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, एक बात समझ लीजिए सौरभ जी। अच्छा। दूसरी बात, मैं गंभीर इल्जाम लगाना चाहता हूं रविशंकर प्रसाद जी को, अगर वो ये कहते हैं तो ऑफिशियली रिकॉर्ड पर आज भी फेसबुक व्हाट्सएप पर चले जाइए, उनकी साइट पर मिलेगा। उन्होंने ऑफिशियली दो बार, सितंबर 2019 में भी शिकायत की, अप्रैल मई 2019 में भी शिकायत की, फिर ये जांच क्या कराई सर टीम से आपने, ये देश को बताइए। रविशंकर प्रसाद जी ये बात भी बताइए। चलिए आप, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लीजिए। अभय जी, ओके, अभय जी ठीक है। संजू वर्मा बोलिए, संजू वर्मा की बारी। अभय जी सुन के बोलिए। संजू जी, पहली बात तो ये, कांग्रेस की ये हालत है आज कि ना तो इनको न्याय प्रणाली पर विश्वास है, ना इनको संविधान पर विश्वास है। पर बात कीजिए, पार्लियामेंट में जवाब की तारीख मैंने बताई, इसका बता दीजिए। अच्छा अभय जी सुन लीजिए, अभय जी आप भी सुन लीजिए, नहीं तो फिर वो मुझे ही कहेंगे कि मैंने आपको रोका नहीं, तो मेरी खातिर सुन लीजिए। आभास होना चाहिए किसी दूसरे के बीच बोलने में। हाँ, देखिए वो शुरू हो गई मैडम, मैंने आपके कहने से पहले ही टोक दिया उनको, मुझे पता था आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। बोलिए अभय जी, मेरी खातिर मत बोलिए, बोलिए संजू जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अभ्यास भी नहीं हूं जी। धन्यवाद सौरभ जी। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट, संसद के अंदर दो हमारे बड़े ही जिम्मेदार मंत्री 2019 में अमित शाह जी ने, और जब आईटी और टेक्नोलॉजी के मंत्री उस वक्त थे रविशंकर प्रसाद ने, संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह साफ शब्दों में स्पष्टीकरण किया कि हमने किसी तरह की फोन टैपिंग नहीं की है, किसी तरह की भी एक्सटर्नल एजेंसी का हमने सहायता नहीं ली है। तो यह बात संसद में पूरी तरह से इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। मैं ये जानना चाहती हूं, आपको भारत के गृह मंत्री पर विश्वास नहीं, आपको भारत के आईटी मंत्री पर विश्वास नहीं, आरटीआई के तहत जो सामने खुलासा हुआ है आपको आरटीआई पर विश्वास नहीं, आपको संविधान पर विश्वास नहीं, आपको न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं, आपकी राजनीति है हिट एंड रन, स्कूट एंड शूट। आज जेपी नड्डा जी ने इस मुद्दे पर जो बात कही है, मुझे लगता है वो बड़ी गंभीरता से आपके दर्शकों को सुननी चाहिए जी। उन्होंने कहा कि पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि क्योंकि मोदी सरकार वंचित के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, इसीलिए सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले आप लोगों ने ये खुलासा करके सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की, पर आपकी ये कोशिश विफल रही, क्योंकि लोगों को पता है कि ना तो अमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई प्रतिष्ठित एजेंसी तो ये है नहीं, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, ना ही वायर की कोई क्रेडिबिलिटी है। रही आपने बहुत अच्छी बात कही सौरभ जी कि 10 ऐसे केसेस आए हैं सामने जहां पर कहा गया कि इनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर पाया गया और कुछ हद तक इंफेक्शन पाई गई। चलिए मान लेते हैं 10 फोन पर इंफेक्शन पाई गई, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या किसी फोन के संक्रमित होने से यह साबित होता है कि हैकिंग हुई, क्योंकि एनएसओ ने यहां तक कहा है कि मात्र इंफेक्शन से यह कदापि
साबित नहीं होता कि फोन की हैकिंग हुई है या अनऑथराइज इंटरसेप्शन या अवरोधन हुआ है। ठीक है, तो आप किस बलबूते पर कहते हैं कि फोन का अवरोधन हुआ है? प्रशांत किशोर कहते हैं पिछले 5 सालों में मैंने 5 फोन बदले। अरे प्रशांत किशोर जी, यदि आपको लगता था कि पेगासस के द्वारा आपके फोन का अवरोधन हो रहा है तो आपने आज तक इंतजार क्यों किया? पिछले 5 सालों तक आपने चुप्पी क्यों साधी? अच्छा ठीक है मैम, ओके, तो हर चीज पर ओके, ठीक है ठीक है, मैं आपके सवाल लेके जाता हूँ सुनील साहब के पास। खुलासा क्यों किया? एक मिनट, ऑलराइट गॉट इट, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। देखिए एक बात सच है, एक बात सच है सुनील साहब, आप भी सुनील साहब, संजू जी ओके ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं आप ही के सवाल लेके जा रहा हूँ, आप ही के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। देखिए एक बात सच है कि ऐसा नहीं है कि कल से पहले इस बात की कोई शुभबुगाहट नहीं थी। बहुत निराश है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक मिनट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल से पहले इस मामले को लेकर कोई शुभबुगाहट नहीं थी पत्रकारों के बीच में, सोशल मीडिया पर। ये चर्चाएं अब से नहीं, कई दिनों से चल रही हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट है जो कि प्रकाशित होगी और बहुत हंगामा मचेगा, ये बातें पहले से आ रही थी कानों में। तो सुहेल साहब, जब बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले वो वक्त चुना गया, जानकारियां पहले से रही होंगी, लेकिन पार्लियामेंट से एक दिन पहले, तो इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, दुरुस्त बात लगती है आपको? हाँ, और पॉलिटिकल एजेंडा क्यों नहीं हो? अगर विपक्ष विपक्ष है तो वो सरकार को घेरेगा, और सबसे बेस्ट एरिया घेरने का संसद है। तो आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष ने ये टाइमिंग क्यों चूज करी। नहीं, लेकिन लेकिन टाइमिंग, सुरेश साहब, टाइमिंग मामला विपक्ष ने नहीं उठाया, मामला तो उस वेबसाइट ने उठाया। तो एक वेबसाइट जो कि जर्नलिस्टिक वेबसाइट है, वो तो कम से कम ये टाइमिंग नहीं देखेगी कि ना मैं पार्लियामेंट के एक दिन पहले छापूं। पर सौरभ जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, दुबे जी भी जानते हैं, संजू जी भी जानती हैं कि यहां सरकार, उनकी अलाइनमेंट्स हैं और होंगी। तो अगर उनकी अलाइनमेंट ये कहती है कि हमें सरकार को एम्बैरेस करना है, सरकार को घेरना है, तो वो करेंगे। ठीक है, तो ये कहना कि उन्होंने क्यों चूज किया, इसमें सरकार ने क्या किया? अगर सरकार को मालूम था, जैसे आपको मालूम था, मुझे मालूम था, ये ट्विटर पे चल रहा था ये सारा नाटक, अगर मालूम था सरकार ने कोई प्रीएम्प्टिव स्टेप्स क्यों नहीं यूज किए, या यूज मींस क्यों नहीं कोई क्लैरिफिकेशन इशू की कि हमें पता चल रहा है कि ये सब खुलासा होगा। नंबर वन। नंबर टू, टाइमिंग इज नॉट द इशू। ये अगर कांड हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब बीजेपी सही है कि भाई हम वायर को ट्रस्ट नहीं करते, हम एमनेस्टी पे हमें भरोसा नहीं है, ठीक है। विपक्ष का कहना है कि भाई आप इसकी जांच कराइए। तो इसमें सबसे इजी चीज है कि जो हमारी हमारी हमारा कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, या जो भी है, हाई कोर्ट है, आप वहां जाइए और पूछिए कि भाई कैसे हमारा सिटीजन राइट्स वायलेट हुए हैं, क्योंकि ये लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है, ये इशू जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पर मेरा ये, मेरी ये चिंता है कि आप इसे इतना रगड़ेंगे कि संसद का जो काल है वो अभी खत्म हो जाएगा, इन मुद्दों के सीरियस मुद्दे नहीं डिस्कस होंगे। लेकिन फिर कोर्ट कौन जाएगा, किसको जाना चाहिए कोर्ट? जिन लोगों के नाम आए सामने वो जाएं, वायर जाए, मिनिस्ट्री जाए, कौन जाए अदालत? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा हल्ला और सबसे पीड़ित तो वो ही हैं जो कह रहे हैं कि भाई मेरा फोन हैक हुआ है। तो फिर ठीक है, अगर आपका फोन हैक हुआ है, अगर आप समझते हैं कि आपके सिटीजन राइट्स अफेक्ट हुए हैं, तो आप कोर्ट जाइए। तो गवर्नमेंट का क्या, तो गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है फिर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में अपना डिफेंस दे कि हमने नहीं किया, आप एविडेंस प्रूव करिए। देखिए सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न, यहाँ पे या सरकार या विपक्ष जो भी कहे, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। तो जो न्याय प्रणाली है, जैसे संजू जी ने भी कहा, जो न्याय प्रणाली है उस पे तो हमें भरोसा है, ठीक है, और न्याय सिर्फ एविडेंस देखेगा, ठीक है। तो एविडेंस के
बूते पे आप एक जजमेंट देंगे, कम से कम वो तो कीजिए। चलिए, आपका कहना यह है कि पार्लियामेंट रोकने की बजाय, वहां हल्ला करने की बजाय, इस मामले को लीगली टेक ओवर टेकअप किया जाए, और जो लोग मानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। अवैध दुबे पार्लियामेंट चलने दें कम से कम। सौरभ जी देखिए, गंभीर बात यह है, मैं सारी बातों से अब तक सहमत हूं सोहेल जी की, और बड़े मुद्दन और विद्वान व्यक्ति हैं। भारत की सरकार की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सर्वर एब्रॉड है इसका, तो सरकार को खुद को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। जिम्मेदार सरकार होती तो पहली बार में कहती कि गंभीर मसला है, पारदर्शी तरीके से हम जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक अभय जी देखिए, पहली बात तो हम लोग ना क्या हम लोग बहुत आगे की बात कर जाते हैं। अभी तो ये साबित होना बाकी है कि ये सॉफ्टवेयर भारत में इस्तेमाल हो रहा है, फिर ये बताना बाकी है कि कौन सी एजेंसी इस्तेमाल कर रही है। अभी तो ये भी नहीं पता कि किस एजेंसी के पास है। आफ्टरऑल कोई गवर्नमेंट एजेंसी यूज कर रही होगी ना इसको, अगर कर रही है तो पहले तो वो सब साबित होना बाकी है अभी। सौरभ जी, मैं गंभीरता से बात करता हूं। सर्टीन है ना सरकार की संस्था जिसने पहले भी इस पेगासस पर रिपोर्ट दी है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने प्रश्न पूछा 17-3-2021 को लोकसभा में, उसने कहा कि भारत की सरकार ये बताए कितने चाइनीज कैमरे भारत सरकार के मंत्रालयों में सरकारी संस्थान में लगे हैं, जिससे चाइनीज कंपनियां उसकी चाइना को उसके डेटा। तो सरकार ने बताया 10 लाख कैमरे लगे भारत सरकार के संस्थानों में, और वो ये कह रहे हैं देर आर वनरेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ वीडियो डेटा कैप्चर थ्रू सीसीटीवी कैमरा बीइंग ट्रांसफर टू द सर्वर लोकेटेड अब्रॉड। वो कह रहे हैं कि जो उनके सर्वर बाहर है, ठीक है, इससे खतरा हो सकता है। आप ये तो एक और खतरे की ओर आपने इशारा किया, गंभीर खतरा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जांच करानी चाहिए। चलिए संजू जी, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, संजू वर्मा। सौरभ जी, सोहेल सेठ जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि आखिर कौन प्रमाण दिखाएगा, कौन साबित करेगा कि फोनों का अवरोधन हुआ था या नहीं, अनऑथराइज इंटरसेप्शन हुआ था कि नहीं। तो हमारे संविधान का जो मूल मंत्र है, हमारी न्याय प्रणाली का जो मूल मंत्र है, वो ये है, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो आरोप किसने लगाए? विपक्ष ने। आरोप प्रत्यारोप और प्रतिशोध की राजनीति यदि आप कर रहे हैं, then you should have the audacity to also prove your point on the floor of a court rather than making baseless allegations. ये आज अश्विनी वैष्णव ने कहा है, और अभी मैंने पढ़ा कि रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट लिखी है, उन्होंने कहा कि जब हमने अमनेस्टी इंटरनेशनल से कहा कि भारत सरकार और पेगासस के बीच यदि कोई लिंक है, आप उसके बारे में कोई सामान्य रूप से प्रमाण दीजिए, तो अमनेस्टी ने कहा We want to leave India. It is very difficult to work in India with the Modi government. मतलब ये तो है, फोन ले लीजिए ना, को खुली अश्विनी कुमार जी को कहिए अपना फोन जांच के लिए दे दें, प्रहलाद पटेल को कहिए, प्रहलाद पटेल के खानसामा को कहिए कि वो फोन दे दे, स्मृति ईरानी जी को कहिए वो अपना फोन दे दे जांच करने के लिए। मेरा कातिल ही मेरा मुंशिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जो षड्यंत्र सरकार भारत के साथ। अबे दुबे जी, अच्छा देखिए, आज हमको मामला इतना बड़ा लग रहा है, हमें इस पर बहस करी, दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। एक बात का संजू जी, मैं एक जाते जाते एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आज हमको मामला बहुत बड़ा लग रहा है, और है, अगर एक भी सिटीजन की, चाहे वो बहुत बड़े ऊंचे पद पे बैठा हो, चाहे बहुत सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसकी प्राइवेसी में दखलअंदाजी की गई है, तो वो गलत है। अभी राजस्थान का एक मामला याद आ रहा है, अभी राजस्थान का एक मामला है कुछ महीने पुराना, अशोक गहलोत जी की सरकार ने तो स्वीकार किया कि हाँ हम फोन टैप करते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के ऑडियो क्लिप्स बाहर आए थे, सचिन पायलट के और उनके सहयोगियों के फोन टैप किए थे, ये बात तो एसओजी ने राजस्थान की स्वीकार करी थी। वो लॉफुल इंटरसेप्शन होता है, लॉफुल इंटरसेप्शन वैलिड है, गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर इंटरसेप्ट किया जाता है, वो वैलिड है, उसमें अवैधानिक नहीं है। भारत की सरकार, भारत की सुरक्षा दांव पर है आज,
चलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती। मामला गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार को भी गंभीरता से इस मामले में स्पष्टीकरण देने की जरूरत है, और अगर कोई प्रमाण है तो जिन्होंने आरोप लगाए वो प्रमाण भी दिखाएं। समय इतना ही था। संजू जी, अभय दुबे जी, सुहेल सेठ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।